हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। आज हम पढ़ाएंगे आपको परिमेय वैजी व्यंजक। इसे आपको समझना है तो आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा, और अगर आप तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज क्या है इसमें। परिमेय वैजी व्यंजक यानी कि रेशनल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कि जब दो वैजिक व्यंजक जैसे कि ए और बी को ए बाई बी या फिर ए बटे बी के रूप में लिखते हैं तो उसे परिमेय वैजी व्यंजक कहते हैं। यहाँ पे ए बी की जगह एक्स बटा वाई भी हो सकता है, पी बटा क्यू भी हो सकता है, जो भी हो, एम अपॉन एन भी हो सकता है, ए बटा बी भी हो सकता है, कुछ भी हो, तो उसे क्या बोलेंगे? परिमेय वैजिक व्यंजक। अब इसे परिमेय वैजी व्यंजक कहेंगे। परिमेय वैजिक व्यंजक को सरल रूप देते समय गणितीय संक्रियाएं, मतलब कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी होता है नॉर्मल किसी भी सवाल में, परिमेय वैजी व्यंजकों में भी इन सभी संख्याओं पर संक्रियाओं की तरह ही होती रहती है। गणितीय संक्रियाएं जैसे कि जोड़, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब चीज़ें जो हम नॉर्मल सवाल में करते हैं ये सब रेशनल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी किया जा सकता है। लेकिन ध्यान देना है कि वैजिक राशियों का भाग करते समय जो उसका हर होता है यानी कि जो उसका भाजक होता है वो कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे कि ए बटा जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए, ए बटा बी का मान कुछ न कुछ होना चाहिए, यहाँ पे हर या भाजक जीरो नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज हम इसका एक उदाहरण लेकर आपको समझाते हैं। एक एग्जाम्पल मान लीजिए ले लेते हैं, कोई भी एल्जेब्रिक नंबर है जैसे कि दी, तो यहाँ पर देखिए मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, ए स्क्वायर प्लस फाइव ए प्लस सिक्स ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए माइनस ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाई ए माइनस फोर अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था किस तरीके से हम गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पे ए स्क्वायर ये वर्ग पद है और ये सिक्स जो है स्वतंत्र पद है, तो इसका हम इस तरीके से गुणनखंड निकालेंगे सिक्स का, जिसका मल्टीप्लाई करते समय और जोड़ते समय हमें पाँच और छः दोनों आ जाए, तो तीन दो पाँच होता है और दो तीन छः होता है, तो ये पाँच भी मिल गया और ये छः हमें मिल गया। यहाँ पर देखते हैं ये माइनस, ये ए है मतलब कि ए आना चाहिए वन है और ये बारह है, तो हम इस तरीके से इसका गुणनखंड लेंगे कि घटाने पर एक आया और गुणा करने पर बारह, तो क्या होता है चार तीन बारह होता है और चार में से तीन गया, क्या बचेगा, चार तीन बारह और चार में से तीन गया तो एक बचेगा। तो इस तरीके से हम इसका गुणनखंड करेंगे। और ये वाला पद है, इस पद में हम क्या करेंगे, ये दिया है ए स्क्वायर माइनस फोर, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस टू का वर्ग, तो इसका क्या हो गया ए, हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये सूत्र होता है, मैंने इसके पहले आपको बताया था। तो इन सभी संक्रियाओं को का उपयोग करके हम इस सवाल को हल करेंगे, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस थ्री ए और प्लस टू ए, तो क्या होगा थ्री ए टू ए क्या हो जाएगा फाइव ए प्लस सिक्स, मैंने उसी चीज़ को इस तरीके से गुणनखंड के रूप में लिखा है। यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस फोर और यहाँ पे हो जाएगा फोर ए और प्लस थ्री ए और फिर माइनस ट्वेल्व, तो चार में से तीन गया तो कितना बचेगा एक ही बचेगा, तो यहाँ पे वन ए है, फिर मल्टीप्लाई बाई ए माइनस फोर लिख दिया और ए स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया, एक ब्रैकेट में ए प्लस टू दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस टू। इसको और सरल करते हैं, और सरल करते समय इसको देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे थ्री ए है, यहाँ इस इन दोनों पद में ए है तो ए कॉमन ले लेंगे, ए प्लस क्या ले लेंगे कॉमन, हाँ ए कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस थ्री बचा, और यहाँ पे क्या ले लेंगे प्लस टू कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस थ्री बचा, क्योंकि दो तियाँ छः होता है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं इसमें क्या कॉमन लेना है हमें, इसमें भी ए कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस फोर बचा, और इसमें क्या कॉमन लेंगे यहाँ पर ले लेंगे प्लस थ्री कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस तीन चौका बारह होता है फोर बचा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई ए माइनस फोर अपॉन क्या लिखेंगे ए प्लस टू और ए माइनस टू, इस तरीके से यहाँ तक हल कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे ए प्लस थ्री और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस टू लिख दिए, ठीक है,
इन इन दोनों पदों में ए प्लस थ्री है तो ए प्लस थ्री कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, ए प्लस टू बचा। यहाँ पे भी ए माइनस फोर है, यहाँ पे भी ए माइनस फोर है, तो ए माइनस फोर कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, ए प्लस थ्री बचा। ठीक है फ्रेंड, मल्टीप्लाई बाई ये है क्या है, ए माइनस फोर है और नीचे क्या है, ए प्लस टू और ए माइनस टू। तो इस तरीके से यहाँ तक सॉल्व कर लिया। आप देखते हैं इसमें क्या कटता है, भाग देते हैं तो जो डिवाइड हो जाएगा, तो ये ए प्लस थ्री है, ये भी ए प्लस थ्री है, ए माइनस फोर, ए माइनस फोर, ये क्या, ए प्लस टू, ए प्लस टू, ये सब कट गया। तो ऊपर के सभी पद कैंसिल हो गए हैं, तो ऊपर क्या होगा, वन होगा, बचा क्या, ए माइनस टू। तो इस तरीके से इसका यही आंसर होगा, वन वन अपॉन ए माइनस टू। गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करके हम जो है इस तरीके से इस द्विघात व्यंजक को हल कर लेंगे। तो बहुत इजी होता है, बहुत आसान है, बस आप क्या कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। तब तक के लिए बाय।